एक मंडल था, उस मंडल का नाम था आलस्य प्रगति मंडल। उसका उन्होंने शॉर्ट नेम रखा था APM। हो गया ना, आलस्य प्रगति मंडल। हर साल वो अपना अध्यक्ष नया चुनते थे, और अध्यक्ष भी ऐसा होना चाहिए जो सबका सबसे आगे हो। तो एक आदमी चुना गया कि ये बहुत बढ़िया है, हमारे APM का प्रमुख। अमुक जगह शपथ विधि रखी गई, जगह फिक्स कर दी गई, सब लोग उसको लेने के लिए गए। अध्यक्ष हैं भाई, वो आगे चले हम पीछे। वो अध्यक्ष कार में बैठा तो उसकी कार इतनी स्पीड से गई कि ये लोग देखते ही रह गए कि ये हमारे मंडल का अध्यक्ष कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इतनी तेज कार चलाता है। बड़ी मुश्किल से उसको रोका और पूछा, आपको तो हमारे मंडल का प्रमुख चुना गया था, फिर आप इतनी तेज कार चलाते हैं तो आप हमारे प्रमुख कैसे बनोगे? अरे बोले, मैं कार तेज नहीं चलाता हूँ, ये तो एक्सीलेटर पर पैर रखा ना तो उठाने की इच्छा ही नहीं हुई, उस पर ही पड़ा रहा, तो गाड़ी चलती गई। बोले फिर ठीक है, आप हमारे APM के प्रमुख। तो प्रगाढ़ नींद में सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, और कभी कभी तो गहरी नींद के कारण कोई लुटेरा चोर आकर के लूट भी जाता है। ऐसा कईयों के घरों में चोरी हो जाती है। एक साधक ने तो मुझे चिट्ठी दी, उसमें लिखा था कि हमारे घर पर रात को हम सब सोए थे, तो रात को सपने में मुझे बापू ने दर्शन दिया और कहा कि क्या सो रहा है, जाग, चोर आया है तेरे घर पर। तो उसने आंख खोली, सोचा कि शायद ऐसे ही मेरी कोई कल्पना है, फिर आंख बंद कर ली उसने सोने के लिए। फिर बापू ने कहा कि अरे क्या सोया है, चोर आया है, उठ जरा। तो उसने उठकर जैसे ही लाइट ऑन की तो सचमुच एक चोर उनके घर प्रवेश करने की ताक में था, वो भाग गया। उसने थोड़ा ओम ओम की गर्जना भी की, चला गया। तो बात ये आपके चरणों में रखना चाहता हूँ कि प्रगाढ़ नींद में त्याग का इतना सामर्थ्य है कि माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहते, देवता देवता नहीं रहते। पर एक बात बताइए, क्या प्रगाढ़ नींद में हम अपने आप को छोड़ सकते हैं? क्या अपने आप को नहीं छोड़ सकते? तो वही आत्मा का स्वरूप है। तो जिसको सुषुप्ति दशा में छोड़ सकते हैं उसको छोड़ने में हम समर्थ हैं, परंतु जिसमें हम सुषुप्ति में स्थित होते हैं उसको हम कभी छोड़ नहीं सकते, तो उसमें हम डटे रहें। और जिसको गहरी नींद में छोड़ सकते हैं उसको जागृत में भी छोड़ सकते हैं। मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना, ममता को, आसक्ति को, विकार को, इसको छोड़ सकते हैं। बोलने को नींद में बोलना छोड़ देते हैं, उसको जागृत में भी छोड़ सकते हैं और मौन रख सकते हैं, ध्यान साधना में आगे गति कर सकते हैं। बाकी तो संसार में लोग जहाँ सुख का फूल खोजते हैं ना, वहाँ उनको दुख का कांटा ही चुभता है बेचारों को। संसारिक सुख की परछाई है दुख, जैसे हर व्यक्ति की अपनी परछाई होती है, ऐसे ही संसारिक सुख की परछाई दुख है। इसलिए बुद्धिमान साधक असुविधाएं सहकर भी सत्संग में पहुंचते हैं। यहाँ कोई सांसारिक सुख नहीं है, बाहर से देखा जाए तो कोई घर पे जो सुविधा होती है वो यहाँ नहीं है,
पर फिर भी आपका लक्ष्य ऊंचा है, ऊंचे जीवन की ओर नजर है, तो साधक बाहर की असुविधा को भी कोई बात नहीं कहे। तपस्या हो गई हमारी, ये भी एक तपस्या है। आप घर पे होते हैं तो मनचाही सब्जी बनवा सकते हैं, मनचाही दाल बनवा सकते हैं, पर यहां तो जो बना होगा प्रसाद में वही खाना है, तो ये भी एक तपस्या है। यहां नहीं बोल सकते वहां भोजन पिरसने वाले को, ये सब्जी मेरे को पसंद नहीं है, क्यों लाए इधर, तब तो जो मिला वाह वाह खा लो। तो ये एक तपस्या है। गुरुद्वार पर कोई बाहर का कष्ट सह लेना, असुविधा सह लेना, ये एक तप है। बापूजी ने कितने कष्ट सहे थे लीलाशाह बापू के आश्रम में, बाथरूम आदि की कोई सुविधा नहीं थी, 7 साल तक गुरुदेव ऐसे ही रहे, कितने कष्ट सहे, कितनी असुविधाएं सही। गुरुवर ने अपने आचरण से हमको संदेश दिया है कि हम भी अपने जीवन को तपस्यामय बनाने की तैयारी रखें पूरी। तो संसार में जहां व्यक्ति सुख हेतु मुट्ठी बांधते हैं, अंत में पाते हैं कि दुख रह गया मुट्ठी में। इसलिए संसार में सुख हेतु मुट्ठी बांधने की जरूरत नहीं है। वास्तव में देखा जाए ना तो व्यक्ति के मन को पूरा दिखाई नहीं देता है। जैसे शांतनु थे, महाभारत की कथा है, शांतनु के पुत्र विचित्र वीर्य और चित्रांगद, वो मारे गए, उसके बाद व्यास जी ने उनकी पत्नियों में दृष्टि के द्वारा गर्भाधान किया था। तो शांतनु ने सोचा था कि मैं शादी करके सुखी हो जाऊंगा, परंतु बाद में शांतनु को दुख मिला। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई लड़का शादी करने से पहले ये सोचे कि शादी करने में दुख है, ये अभिप्राय नहीं है, परंतु मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा, ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सुख तो भक्ति से, ध्यान से, जप से, उसी से प्राप्त हो सकता है, स्थाई सुख, बाकी का सब क्षणिक सुख है। तो शांतनु को सुख दिख रहा था, तभी तो देवव्रत बेटा होते हुए भी शादी करने की बात सोची दूसरी, पर मिला शांतनु को दुख। दोनों बेटे विचित्र निकले, विचित्र वीर्य भोग में डूबा था, चित्रांगद महत्वाकांक्षी था, और दोनों मर भी गए थे। तो ये शास्त्र की कथाएं हर व्यक्ति को संकेत करती है कि यह तन करफल विषयन भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। इनका अंत दुखदाई, भले कोई माने कि न माने। गैलीलियो थे ना विज्ञानी, बड़े बुद्धिमान आदमी थे, उनको एक बार पोप की अदालत में बुलाया गया और उनको पोप ने कहा कि क्या तुम बाइबल से ज्यादा जानते हो, गैलीलियो को कहा। गैलीलियो ने कहा कि मैंने ऐसा दावा तो किया नहीं है। बोले फिर तुम कैसे कहते हो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये कैसे तुमने कह दिया। तो गैलीलियो ने कहा देखो आप लोग नहीं मानोगे और मुझ पर दबाव डालोगे तो मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरे माफी मांग लेने से या आपके दबाव डालने से कोई सच्चाई बदल नहीं जाएगी, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। मैं माफी मांग लूंगा आपके दबाव में आकर, सत्य तो सत्य ही है, जो घूमती है सो घूमती है, जो खड़ा है सो खड़ा है, तो सच्चाई तो सच्चाई है,
सुख दिखता है पर सुख है नहीं। कोपरनिक्स ने दूरदर्शक यंत्र खोजा, लोग बोलने लगे कि ये सब जालसाजी है, बाइबल में तो इसका वर्णन है ही नहीं, ये जो नहीं है वो हमको दिखाना चाहता है, ये झूठा आदमी है। कोपरनिक्स पर कई आरोप लगे, परंतु बाद में जब उसकी रिसर्च की सच्चाई का पता चला तो वो आदमी आदर का पात्र हो गया। उस समय नहीं मान रहे थे लोग, ऐसे ही आज के युग में भी लोग नहीं मानते, नहीं मानते, कहाँ मानते नहीं मानते, तो उनको अंत में दुखी होना ही पड़ता है, क्योंकि समय तो पसार हो रहा है, आयु बीती जा रही है, रुकती नहीं है। यूनान के प्रसिद्ध विद्वान हेराक्लतु ने कहा कि आप एक बार ही नदी में स्नान कर सकते हो, दोबारा उसी पानी में स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी बहकर कहीं का कहीं चला गया। उसी प्रकार समय भी बहते हुए नदी के पानी की तरह तेजी से बीतता चला जा रहा है, इसलिए जो समय बीत रहा है उसको सार्थक किया जाए। दुकान पे गए, फैक्ट्री पर गए, बहनों ने घर का काम किया, पर फिर शाम हुई, थोड़ा शांति का संपादन कर लिया, भोजन करते हैं शरीर की तृप्ति पुष्टि के लिए, उसी प्रकार साधन भजन करें समझ की सात्विकता बरकरार रखने के लिए। समझ सात्विक होगी तो भजन बढ़ता जाएगा, भजन बढ़ता जाएगा पुण्य बढ़ता जाएगा, इसलिए समझ की सात्विकता बनाए रखें हम सभी। शरीर का भोजन अन्न है, समझ का भोजन सत्संग है, उससे उसकी सात्विकता सदा रहेगी। परंतु लोग हैं ना बेचारे, मन और इंद्रियों के बहकावे में आ जाते हैं सभी, कोई कम कोई ज्यादा, परसेंटेज कम ज्यादा है। किसी आदमी को भूख लगी है, उसके आगे सब्जी रोटी दाल चावल और भी कुछ वैरायटियां पड़ी है खाने की, वो खाने को तैयार है, इतने में कोई आकर कह दे ठहरो ठहरो इसमें जहर मिला हुआ है मत खाना, तो आप बताओ वो आदमी खाएगा क्या? खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? कि जहर है, ये खाऊंगा तो मेरा शरीर नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाऊंगा। तो शरीर नाश हो जाए ऐसी चीज लोग नहीं खाते हैं, परंतु बुद्धि का नाश हो जाए ऐसी चीजें लोग पैसे देकर खाते हैं। ये भी कमाल है। होटल में चाय पी एक आदमी ने, मालिक को कहा बहुत बढ़िया चाय थी, मजा आ गया, वाह बहुत सुंदर। मालिक ने कहा चाय तो हुजूर और भी बढ़िया बनती, अगर रात को बिल्ली ने दूध जूठा नहीं किया होता तो। थोड़ा स्वाद ऐसा हो गया, बिल्ली ने दूध जूठा किया, बाकी कोई बात नहीं, अब कुछ बाकी रहा इसमें? बोले खाली बिल्ली ने दूध जूठा किया बस। दो लड़कों ने सत्संग सुना, बोले अपन अब बाहर का नहीं खाएंगे, बाहर का खाना बंद। फिर एक दिन दो में से एक लड़का होटल के बाहर खड़ा हुआ समोसा खाने लगा, तो वो दूसरा आ गया, बोले तूने तो कहा था बाहर का नहीं खाएंगे, ये क्या खा रहा है? तो उसने समोसे का ऊपर का कवर हटाया, अंदर का मसाला खाते हुए बोला बाहर का कहाँ खा रहा, अंदर का खा रहा। तो लोग बड़े तर्क देकर अपनी वासना को पोष लेते हैं, परंतु जरा सोचना चाहिए
कि मनमानी करेंगे तो कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। अगर सुखी होना है तो पक्का कर ले कि जितना हो सके 100% तो मैं भी नहीं छोड़ पाया। क्यों झूठ बोलूं? 100% मनमानी मैं भी नहीं छोड़ पाया। तो जितने अंश में हम अपनी मनमानी छोड़ पाए उतनी तैयारी दिखाए, और जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए वो न करना समझदारी तो नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए वो करना ये भी समझदारी नहीं है। तो मौन हम रख सकते हैं, सेवा के कार्य हम कर सकते हैं, ईश्वर की ओर हम चल सकते हैं, सौ प्रतिशत नहीं तो 50, 60, 70, 80% तो गुरु की आज्ञा पाल सकते हैं। और हिम्मत करके रोज प्रार्थना करके कि प्रभु ये कली काल है, इस कलयुग में हम अपनी आँख को तो समझा लेंगे कि किसी को बुरी नज़र से न देखना, हम कानों को समझा लेंगे गुरुवर हम गीत नहीं सुनेंगे फिल्मों के, निंदा नहीं सुनेंगे, चलो हम जीभ को समझा लेंगे हम होटलों की चीज़ें गंदी नहीं खाएंगे, दिखने में बढ़िया हो स्वादिष्ट भी हो चलो हम उसमें भी बाजी जीत लेंगे, हम होटलों का नहीं खाएंगे अपवित्र अशुद्ध, हम स्पर्श इंद्रिय को भी वश में कर लेंगे, हम जिस तिस का स्पर्श नहीं करेंगे, हम घ्राणेन्द्रिय को भी वश में कर लेंगे गुरुदेव, हम परफ्यूम आदि की सुगंध का शौक नहीं रखेंगे। परंतु इस मन के बारे में क्या करें, ये मन हमको कई बार खींचता है, और हम जानते भी हैं कि मन एक करण है और हम करता हैं, पर फिर भी करता करण के अधीन हो जाता है। तो गुरुदेव आप ही कृपा करें, जैसे आपके जीवन चरित्र में हम पढ़ते हैं कि आपने साधन काल में कैसी वैराग्यमयी जीवन जीने की प्रेरणाएं दी है अपने जीवन के द्वारा, ऐसा वैराग्य से भरा जीवन हमारा हो। हम संसार में रहें परंतु जल कमलवत रहें, जैसे पानी कमल को छू नहीं सकता ऐसे हम रहें। हे गुरुदेव आपकी महिमा का तो अंत नहीं है, जो भी कहा जाए वो थोड़ा है, कौन पूरा गा सकता है आपकी महिमा को और आपके साधन काल को, और इस छोटे से व्यक्तित्व में विराट कैसे समा सकता है, हम अपनी एक मुट्ठी में आकाश को कैसे बांध सकते हैं, मुट्ठी में आकाश को नहीं बांध सकते, हमारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। अगर साधक को अपनी इस विषय में गुरु को समझने में, बाकी तो साधक अपने को असमर्थ न माने, परंतु इस विषय में अगर साधक को अपनी असमर्थता का पता चले तो समझ लेना कि अब समझ का जन्म हुआ, बाकी गुरु को अपनी तराजू से तोले के ये करना चाहिए था ये नहीं करना चाहिए था, ये कहना चाहिए था ये नहीं कहना चाहिए था, जो तेरी इच्छा। एक संत थे, उनका भी ऐसा नियम था, वो प्रार्थना करते तो बोलते थे कि मैं तो कुछ भी प्रार्थना में कह देता हूँ प्रभु, पर जो मेरे हित में हो आप वही करना, मैं जो कहता हूँ मैं जो मांगता हूँ वो मत करना, जिसमें मेरा भला हो आप वही करना। और मुझे पक्का पता है कि विश्वास है पक्का कि आपको पता है मेरा भला किस में है, मेरा कल्याण किस में है, ये आपको पता है। बस चाहे धनवान होने में मेरा भला है तो आप वो करो, चाहे मध्यम वर्गीय रहने में मेरा भला है तो वो करो, चाहे गरीब रहने में भला है तो वो करो, आपकी मर्जी। ये जन्म आपके नाम कुर्बान है, जैसे पार्वती जी ने सप्तऋषियों को कह दिया, जब सप्तऋषियों ने शिव जी की निंदा की, शिव जी की प्रेरणा से आए थे,
शिव जी के बारे में कहा कि शिव जी तो समस्त अवगुणों की खान है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। विष्णु जी सब गुणों के धाम है, आप उनसे शादी कर लो। तो पार्वती जी ने सुंदर बात कही सप्त ऋषियों को, अब मैं जन्म शंभु हितहारा, हे सप्त ऋषियों मेरा ये जन्म शिवजी के नाम मैंने कुर्बान कर दिया है। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, के गुण दूषण करहिं विचारा। अब जिनके नाम जीवन कुर्बान कर दिया, अब मैं उनके गुण और दोष के बारे में क्या विचारूं, अब उनके नाम कुर्बान। आप कुछ भी कहो, मैं हिलने वाली नहीं हूं। ऐसी पार्वती जी की निष्ठा थी। तो ये समझ में आ जाए कि मैं छोटा हूं तो गुरु के असली बड़प्पन का ख्याल आ जाएगा, पर आई एम समथिंग बना रहेगा तो गुरु के वास्तविक बड़प्पन का, गुरुत्व का ख्याल नहीं आएगा। और गुरुत्व को नहीं पहचान पाएगा, गुरु के गुरुत्व को। तो फिर शिष्य में भी गुरुत्व नहीं आएगा। तो ज्यों ज्यों समझ बढ़ती है त्यों त्यों व्यक्तित्व गलता जाता है, और ज्यों ज्यों व्यक्तित्व गलता जाता है त्यों त्यों विराट प्रकट होता जाता है। विराट संभावनाएं करवटे लेने लगती है, हृदय के अनजले दीप जलने लगते हैं, हृदय के बंद द्वार खुलने लगते हैं। ज्यों ज्यों समझ बढ़े व्यक्तित्व गलता जाए। तालाब में डुबकी लगाने से समुद्र की गहराई का पता नहीं चलेगा। गांव में कोई टीला हो, कोई टेकरी हो, उस पर चढ़ जाने से कैलाश की ऊंचाई का अंदाज नहीं आएगा। ऐसे ही केवल मनमानी साधना करे तो अपने गुरु गोविंद को पहचान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। समझ नहीं पाएगा तो पूरा लाभ नहीं उठा पाएगा। तो गुरु से लाभ मिले साधक को, शिष्य को पूरा, उसके लिए बहुत जरूरी है ये बात। देखो, आज तक किसी विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है और ना ही कभी देख पाएंगे। उनको ऐसी आशा भी नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन देख पाएंगे, परंतु फिर भी विज्ञानी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, उसके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। कारण सूक्ष्म है, परिणाम स्थूल है। कोई चित्र हम देखते हैं पेंट किया हुआ, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि जरूर किसी ने बनाया होगा। तो इतना बड़ा संसार रूपी चित्र है, समय से सूरज उदय होता है, समय से अस्त हो जाता है, समय से ऋतुएं परिवर्तित होती है, सर्दी गर्मी बरसात। तो इतना बड़ा संसार का चित्र है, फूल खिलता है, फसल उगती है, सूर्य चांद दिखते हैं, तो जरूर कोई हाथ है, नहीं तो फसल कैसे उगती। किसान बीज बो सकता है परंतु उगाना उसके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। बीज में अंकुर फूटता है, ये परिणाम है, पर कोई है जो अंकुर को उगाता है, कोई है जो बीज में से अंकुरों को बाहर भेजता है, कोई सर्वसमर्थ सत्ता है। और उसी सर्वसमर्थ सत्ता का नाम बापूजी दीक्षा में देते हैं। नाम और नामी में फर्क नहीं है। जैसे मैं किसी सज्जन का नाम लेकर बुलाऊं तो उनका ध्यान खींचेगा ना कि मेरे को बुला रहे हैं। जब एक साधारण व्यक्ति का नाम लेकर हम बुलाते हैं तो उसका ध्यान हमारी ओर खींचता है, तो भगवान का नाम लेकर जप करेंगे तो क्या उनका ध्यान नहीं खींचेगा। तो बोले, भगवान तो सारी दुनिया के मालिक और नाम तो छोटा सा है, राम हरिओम नाम तो छोटा सा ही है। तो देखो, आपका घर कितना बड़ा है, दो तीन कमरे तो होंगे, घर कितना बड़ा होता है, पर आप घर के लोग
ताला मार कर कहीं जाते हैं तो चाबी कितनी छोटी होती है, जरा सी होती है। घर जितनी बड़ी थोड़ी होती है चाबी, तो उठा के कहाँ घूमेंगे। घर कितना बड़ा होता है, कईयों का तो बंगला होता है बड़ा बड़ा, इतना बड़ा महल जैसा घर और महल जैसे घर की चाबी जरा सी छोटी सी चाबी। तिजोरी होती है तिजोरी, अलमारी कितनी बड़ी होती है, और अलमारी की चाबी घर से बाहर जाते हैं तो अलमारी को लॉक कर देते हैं, भाई कैश पड़ी है, ज्वेलरी पड़ी है, सामान पड़ा है कीमती, तो चाबी कितनी छोटी होती है। महल इतना बड़ा, चाबी जरा सी छोटी सी, तिजोरी इतनी बड़ी, चाबी जरा सी छोटी सी। ऐसे ही भगवान भले कितने ही बड़े क्यों ना हो, पर भगवान का नाम वो सारे सुखों की खजाने की चाबी है, खोल देता है, उसको संभाल के रखे। घर की चाबी को, तिजोरी की चाबी को कैसे संभाल के रखते हैं, ऐसे भगवान नाम बहुत आदर पूर्वक अपने दिल में मन मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा कर लें। एक तो होता है गुरु मंत्र जप करना और एक होता है गुरु मंत्र को सुनना। जप करना अलग बात है, सुनना कुछ निराली बात है। कभी प्रयोग करके देखना आप, अभी करके देखो, कभी क्या अभी करके देखें। आपका जिसका जो गुरु मंत्र है वो सुनो, करने में श्रम है, सुनने में विश्राम है। भले कुछ सेकंड सुना पर आपका अनुभव होगा कितनी शांति मिलती है, मन लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है सुनने में। फिर से सुन के देखो एक आध मिनट। कोई शोर के रूप में सुनाई देगा ऐसा मत सोचना, स्वतः थोड़ा ध्यान देना बस, विश्रांति मिलने लगेगी। अगर इसमें ज्यादा समय लगाया जाए तो मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी। ये अंतरंग साधन है। सुबह प्रार्थना की थी, स्वयं में जितनी गहराई होगी बाह्य जीवन में उतनी ऊंचाई मिलेगी।